हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। सो शादी का जो व्लॉग है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, बट मैंने काफ़ी मेहनत करी थी और जैसा मुझसे हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और फ्रेंड्स, आज है सावन का आखिरी सोमवार, यानी कि आज है 28 तारीख और सावन का आखिरी सोमवार है। और आज है मेरा उद्यापन और आज है दुल्हन का पग फेरा भी, दोनों एक साथ है। और ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, जैसे कि आप लोगों को मेरे चेहरे से पता चल ही गया होगा, तो मेरा सर दर्द हो रहा है। पर चलो, क्या करना है, जो करना है तो करना ही है। तो फिलहाल अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पे उद्यापन करूँगी और उसके बाद अगर पॉसिबल हो पाए तो फिर जाऊँगी चाचा जी के घर में, वहाँ पर कथा है सत्यनारायण जी की, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे अटेंड करेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और मैंने उद्यापन के लिए फ्रेंड्स कुछ सामान लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने दूध ले लिया है चढ़ाने के लिए, और यहाँ पर ले लिया है उद्यापन के लिए ये सारा सामान, सुहाग पूरा, नारियल, इलायची, लौंग, ये जैसे आप देख रहे हो लौंग, इलायची और जनेऊ और है सुपारी, इसके नीचे होगा, कहाँ गया यार, हाँ ये सुपारी, जनेऊ ले लिया, बाकी फ्रूट्स ले लिए, केला, सेब, और यहाँ पे जोत के लिए घी ले लिया, और धूप और माचिस ले लिया, और शगन वो चढ़ाने के लिए पैसे भी रख लिए थे, हाँ पता नहीं, ये हाँ चढ़ाने के लिए पैसे भी रख लिए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मंदिर जाते हैं, उद्यापन करते हैं फिर। तो इस बार फ्रेंड्स सावन के 8 सोमवार थे, तो 8 सोमवार से मैंने 7 सोमवार के व्रत रखे और व्रत काफ़ी अच्छे रहे, बहुत अच्छा रहा। भोलेनाथ जी के जो ये व्रत होते हैं ना, 16 सोमवार से बढ़कर व्रत होते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 16 सोमवार रखते हो और सावन के 5 सोमवार रखते हो, इस बार तो वैसे 8 थे, लेकिन अगर 5 सोमवार सावन के रखते हो तो वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी जैसे विधि विधान है, जितना मुझे आता है उस हिसाब से यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, उद्यापन कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस, जो पूजा विधान है ना, तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम डीपली जाएँ, जितना हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जो मेन चीज़ है ना, वो है भाव का। अगर आपका भाव अच्छा है, आपकी भावना सच्ची है, तो भोलेनाथ जी हो चाहे कोई भी भगवान हो, हम जिसको मानते हैं, वो हमारी पूजा से ज़रूर खुश होते हैं। तो मैं जो भी करती हूँ ना, अपने भाव से करती हूँ, अपने मन से करती हूँ, जैसा मुझे सही लगता है वैसे करती हूँ। और मेरा मानना भी यही है कि जैसे आपको सही लगता है आप वैसे करो, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। फ्रेंड्स, आ गई थी मैं मंदिर से, वहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा कर ली, उद्यापन कर लिया, और अब टाइम हो रहा है 2 बजे का, तो मैं जा रही हूँ कथा में। और मैंने ना बच्चों के ड्रेसेस वगैरह डाल लिए हैं, क्योंकि बच्चों के सोच रही हूँ कि कपड़े वगैरह वहीं ले जाती हूँ, बच्चों को वहीं ले लूँगी स्कूल से ना, तो स्कूल बस से। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर अटेंड करते हैं। ओम क्रम वीरम महाविष्णुम क्रम तम सर्वकाम रसिहम विष्णुम भद्रम मृतुम मृतुम महा। तो दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है सत्यनारायण जी की पूजा, यानी ये सत्यनारायण जी की कथा। तो हमारे यहाँ पे दुल्हन जब भी पगफेरे के लिए आती है तो उसके साथ साथ ही सत्यनारायण जी की कथा ज़रूर करवाते हैं, और ये एक उससे कंपल्सरी भी होता ही है। मैक्सिमम जब भी किसी की शादी होती है, अभी तक मैंने जितनी भी शादियाँ देखी, तो सत्यनारायण की कथा ज़रूर कराते हैं। और साथ साथ इसलिए करा देते हैं क्योंकि मेहमान भी सब आए हुए होते हैं, तो साथ साथ ही निपट जाता है। तो इस कथा में दुल्हन के साथ दुल्हन के ससुराल वाले भी आते हैं, उसमें से उनकी फैमिली के लोग आते हैं। तो यहाँ पर दुल्हन के ससुराल के लोग आए हैं, लगभग 4-5 लोग आए हैं, दादी सास, दादा सास वगैरह 4-5 लोग आए हैं, तो वो लोग कथा भी अटेंड करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुल्हन को और दूल्हे को, यानी कि जोड़े को, अकेला नहीं भेजा जाता है, तो फैमिली वाले साथ में आते हैं। और ये सत्यनारायण कथा जब होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी नए जोड़े की शुरुआत हो, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ ही हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जोड़ी जैसे है ना, ऐसे उम्मीद की जाती है कि उनके आशीर्वाद से जो नया जोड़ा है, उनकी जोड़ी भी वैसे बनी रहे। तो इसलिए ये कथा कराई जाती है, और शुभ काम की शुरुआत तो हमेशा भगवान के आशीर्वाद के साथ ही होता है, तो इसलिए ये कथा कराई जाती है। तो पहले कथा होती है, उसके बाद आरती, और फिर जो भी घर में पकवान बनाया जाता है तो फिर उसमें वो पकवान खिलाए जाते हैं। और यहाँ पर ना ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ घर घर के लोग होते हैं,
हैं और हम लोग तो सिर्फ फैमिली के ही हैं, तो सिर्फ हम लोग थे, बाकी घर के लोग थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे। पूरा खा लिया। आपकी मम्मा कौन है? आपकी मम्मा कौन है? कौन है बाबू की मम्मा? कौन है मम्मा? कहा है मम्मा? ओह बोला कहते मजा अच्छा उस दिन हासिल सब ये देखो तो कितना 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 उसको किसी करी जा रही है बेचारे को। तो दोस्तों अब बारी आ गई है वापस घर जाने की। तो सुबह आए थे ये लोग, दिन में कथा अटेंड किया, खाना वगैरह खाया और अब वापस जा रहे हैं। वैसे कई लोग बैठते भी हैं लेकिन नज़दीक है घर, तो फिर वापस जा रहे हैं। और चाचा जी गए हैं देवता के थान में, देवता के आगे मत्था टेकने के लिए। तो जो आप सामने देख रहे हो वो हमारे देवता का मंदिर है। यहाँ पर ना सब लोग सी ऑफ कर रहे हैं और वैसे कथा वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया। और ऐसा ही होता है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता वक्त का कि कितनी जल्दी से शादी फटाफट से हो गई, मतलब इतनी जल्दी जल्दी सारा चीज़ होता है। और बस यहाँ पर देवता का आशीर्वाद लेके फिर अपने वापस अपने ससुराल जा रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि बेटी हमेशा खुशी खुशी आए और जवाई हमेशा बेटी का ख्याल रखे। ओ कैसे रो रही हो? हाथ में कर दो थोड़ा सा, हाथ में सो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं। और अभी ना मतलब कितने बजे, 7:30 बजे हम लोग घर आए थे। वहाँ पर सारा काम वाम निपटा के, क्योंकि कथा वगैरह का था तो फिर हम सब मिलकर काम तो हो ही जाता है, तो वो थे। और उसके बाद ना आज मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और ऊपर से ये आंखों में जो मेरी ये हुई थी ना, मैंने आपको सुबह बताया था, इसकी वजह से ना मेरे मतलब सर काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो रहा था, भारी भारी सा हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, बस मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग कर दी। और बस ये होता है कि यूट्यूब का बहाना ना एक ही होता है कि चाहे व्यूज़ आए ना आए, लेकिन ये होता है कि एक मेमोरी रहती है कि कभी भी यूट्यूब खोलो और कभी भी वीडियो देख लो। तो मुझे लगा कि उनकी पग फेरे का ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि आगे कम से कम थोड़ी सी क्लिप है, बट है चलो उनको याद तो रहेगी। तो गाइज़ प्लीज़ ये शादी का व्लॉग फ़िलहाल यहाँ पे एंड करते हैं, और मेरा अभी काम है, थोड़ा सा काम करती हूँ और मैं सोती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और आप लोग प्लीज़ अच्छी अच्छी दुआएँ दीजिएगा, अच्छी अच्छी विश दीजिएगा मेरी ननद जी को और मेरे भतीजे को, वो हमेशा खुश रहें। सो विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ छुटकी नानी और शानू, आप दोनों हमेशा खुश रहो। तो गाइज मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।